जब भी बात होगी पंजाबी खाने की तो सबसे पहले नाम आएगा बटर चिकन का। बटर चिकन की तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन बटर चिकन को बनाने में घर पे इतनी ज्यादा मेहनत लगती है, तो कोई एक ऐसी रेसिपी बताओ ना जो कि बटर चिकन से भी ज्यादा बढ़िया लगे और घर पे आसानी से भी बन जाए। तो चलिए फिर आज मैं आपको सिखाता हूँ पंजाबी चिकन ग्रेवी की रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है शेफ अमन। चलिए बनाते हैं घर पे आसानी से पंजाबी चिकन ग्रेवी की रेसिपी को। पंजाबी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ चिकन ले लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे 1 किलो का इस्तेमाल किया है। इससे अच्छी तरीके से क्लीन एंड वॉश कर लिया। उसके बाद हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में हम लोग ने दही का इस्तेमाल किया है, ना ये खट्टा दही है ना ये मीठा दही है। उसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, बस। इसके अलावा आपको कुछ ऐड नहीं करना। और जैसे कि मैंने कहा था कि रेसिपी काफी ज्यादा सिंपल होने वाली है, तो आप फटाफट से चिकन को मैरिनेट कर दीजिए। कम से कम हम लोग 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि बढ़िया सा स्वाद आए। और जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन दिखने में बढ़िया सा लग रहा है, तो इसको रखते हैं साइड में और पंजाबी चिकन ग्रेवी की एक बढ़िया सी ग्रेवी बनाते हैं। अब पंजाबी चिकन ग्रेवी की ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, और मैं तो कहूंगा कि आप पूरी कुकिंग में कढ़ाई का ही इस्तेमाल कीजिएगा, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इस कढ़ाई के अंदर हम लोग जरा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे और कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। खड़े मसालों के अंदर हम लोग ने यहाँ पे 7 से 8 हरी इलायची का इस्तेमाल किया है, जिन्हें हमने कूट लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच हम लोग ने लौंग का इस्तेमाल किया है। 2 बड़ी इलायची या फिर काली वाली इलायची को इस्तेमाल करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कूट लेंगे उसे, और 1 खड़ी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। इन सभी खड़े मसालों को हमें ऐड कर देना है सरसों के तेल के अंदर। सरसों के तेल को साड़ जरूर लीजिएगा। उसके बाद हम इन मसालों को हल्के हाथों से मिला लेते हैं, और जैसे ही मसाले पक जाएंगे उसके बाद हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे। उसी के साथ में कम से कम 15 से 16 लहसुन के टुकड़े भी ऐड करेंगे। इन्हें हम कम से कम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पंजाबी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए आप यहाँ पे स्लाइस करी हुई प्याज का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज की प्याज का इस्तेमाल किया है, और इन प्याज को ऐड कर दिया कढ़ाई के अंदर, और इन प्याज को और अदरक लहसुन को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। कम से कम हमें 10 मिनट इनकी भुनाई करनी है, जिससे कि प्याज का सारा पानी निकल जाए और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो मैं उसके लिए ढक देता हूँ और 10 मिनट के लिए इसे पका लेता हूँ। 10 मिनट के बाद हम इस गैस को बंद कर देंगे। उसके साथ ही में हम क्या करेंगे कि ये जो मसाला है ना, हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाते टाइम आपको इस चीज का जरूर से ध्यान देना है कि आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, और अगर आप ऐसा करेंगे तो बढ़िया सी आपकी पंजाबी चिकन ग्रेवी बनेगी। उसी के साथ में हम यहाँ पे कढ़ाई ले लेंगे और अब एक पंजाबी चिकन बढ़िया से बनाते हैं। तो इसके लिए हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जरूरी है सरसों के तेल का इस्तेमाल करना। अगर आप रिफाइंड तेल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का जरूर कीजिएगा इस्तेमाल। थोड़ा सा हम तेज पत्ता ऐड करेंगे, 3 से 4, और इसके बाद जो हम लोग ने ग्रेवी पीसी थी ना ठंडा करके, हम उसे भी ऐड कर देंगे। और एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस ग्रेवी को पीसते टाइम आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। हम इस ग्रेवी को कम से कम 10 मिनट के लिए पकाते हैं। और मैंने जब इस ग्रेवी को पकाया ना, तब आप कलर के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से भूना है मैंने, और आपको भी अच्छी तरीके से ही भूनना है। फिर उसके बाद क्या, हमने इस ग्रेवी को अच्छी तरीके से फैला दिया, और जो हम लोग ने मैरिनेट किया था ना चिकन, हम वो सारा का सारा इस ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। जब भी आप पंजाबी चिकन बना रहे हो तो आपको 2 चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि आप भुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से करें, और दूसरी चीज कि आप कढ़ाई का इस्तेमाल करें, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हैं और उसके बाद 5 मिनट तक बढ़िया तरीके से इसे पकाते हैं। 5 मिनट के बाद क्या होगा ना, चिकन अपना पानी छोड़ने लगेगा, और यही पानी से हम इसको गलाना शुरू करेंगे। अभी हमने किसी भी टाइप के कोई भी मसाले ऐड नहीं किए, लेकिन आप चिकन के ऊपर देखिए कितनी बढ़िया सी चमक आ चुकी है। तो अब जब मसाले ऐड नहीं किए, तब हम क्या करें, थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 1 चम्मच देगी मिर्च का, हमने इस्तेमाल किया है 2 चम्मच धनिया पाउडर का, उसी के साथ हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से जो रंगत आएगी इस चिकन में, वो बहुत ही बढ़िया लगेगी। और हम सिर्फ और सिर्फ 2 टमाटर को मिक्सी में पीस के अच्छी तरीके से छानेंगे और इस चिकन के अंदर ऐड कर देंगे।
पंजाबी चिकन ग्रेवी को मैं तभी पंजाबी स्टाइल मानूंगा जब उसकी ग्रेवी के अंदर बढ़िया सा चटपटापन हो, और जब वो चटपटापन आ जाएगा इसका मतलब आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी तरीके से बनी है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया मजा आ जाएगा। हमने मिक्स कर लिया चिकन को अच्छे से, अब उसके बाद हम इसको पकाते हैं। हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया तरीके से 2 से 3 मिनट भूनेंगे हाई फ्लेम पे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, और एक बार जब आप इसे मिक्स करते जाएं और धीमे धीमे क्या होगा कि इस ग्रेवी का रोगन ऊपर आने लगेगा, तो हम लोग की ग्रेवी भी अच्छी तरीके से पक चुकी होगी और चिकन भी हल्के हल्के से गलना शुरू हो जाएगा। अब चिकन को अच्छी तरीके से गलाने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी थोड़े से गर्म पानी की। मैंने यहाँ पे गर्म पानी को ऐड कर दिया चिकन के अंदर, और आपको लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा गर्म पानी ऐड किया है, लेकिन नहीं, आप यकीन मानिए धीमे धीमे इसको पकाने का जो तरीका है वो आप कहेंगे बिल्कुल सही तरीका है। हमने इसको मिक्स कर दिया, ग्रेवी में अभी भी हल्का सा गाढ़ापन जरूर है, तो हम क्या करेंगे अभी चिकन को गलाएंगे 5 मिनट के लिए ढक के एकदम हाई फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। हम लोग ने मैरिनेशन के अंदर नमक ऐड किया था, उसके बाद हम लोग ने नमक ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने अपने स्वाद के अनुसार 1 चम्मच ऐड कर दिया। अब इस चिकन को जैसे ही आप पकाते जाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि ग्रेवी के अंदर बिल्कुल करी जैसी बन गई है। लेकिन अभी रुकिए, हम इसको अच्छी तरीके से पकाने का जो मेथड है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब उसके बाद यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। हम यहाँ पे ढक्कन हटा देंगे और इसको आप ढाकेंगे बिल्कुल भी नहीं, और जितना भी रोगन आ गया ना ये देख सकते हैं आप, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और आपको अब बिना ढाके इस चिकन को पकाना है ताकि जितना भी पानी है वो हल्के से सूखता जाए। और 5 मिनट के बाद आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया हम लोग का पंजाबी चिकन ग्रेवी दिख रही है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों बहुत ही ज्यादा चटपटा फ्लेवर आ रहा है भाई, मजा आ गया मेरे को तो अभी से टेस्ट करके। और ये चिकन के लेग पीस के ऊपर देखिए किस तरीके से मसाला चढ़ा हुआ है, ये खाने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और अभी क्या करना है हम लोग को, देखिए चिकन लगभग गल चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, इस चीज को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम पंजाबी चिकन ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, उसी के साथ में हम ऐड करेंगे भाई 1/2 चम्मच चाट मसाला, बिल्कुल ऐड कीजिएगा, बढ़िया सा चटपटा फ्लेवर आएगा। उसी के साथ में मेरे घर का बना हुआ सिलबट्टे पे पिसा हुआ 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुशबू आ जाएगी। और अब हमें गैस को बंद कर देना है और इस चिकन को ढक देना है, और कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपकी पंजाबी चिकन ग्रेवी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस पंजाबी चिकन ग्रेवी की जो खुशबू हमारे घर में आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही लाजवाब थी। हम क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब आप नोटिस कर सकते हैं रोगन काफी हद तक कम हो गया है, जैसे ही हमने कढ़ाई को मिलाया, यही तो जादू है हमारे पंजाबी चिकन ग्रेवी का। उसी के साथ में जो लेग पीस है उसके ऊपर जो मसाला चढ़ा हुआ है, इसको आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आपको खाने में बहुत मजा आएगा। और ये ग्रेवी तो इतनी ज्यादा टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस चिकन को बनाने का जो असली मजा है वो कढ़ाई के अंदर है, तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऊपर से हम लोग का जो चिकन है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मेरे को बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, या देख रहे हो आप इंस्टाग्राम पे, सब जगह मैं मिलूंगा आपको शेफ अमन बिसारिया के नाम से। तो हम फिर मिलते हैं नई नई और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज के साथ दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।